जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदर शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है, यानी कि 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त 2024 का यह सप्ताह जो है वह सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे वीडियो के अंतिम में सुंदर सटीक से महत्वपूर्ण उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सुफलदायक बना सकेंगे। तो सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 5 से लेकर के और 11 अगस्त 2024 का यह सप्ताह। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं सभी लोग जो हैं वीडियो में अवश्य अंतिम तक बने रहें। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जो है वह मध्यम फलदायी रहने वाला है और इस सप्ताह जो है आपके सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त समय जो है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको देना होगा और अतिरिक्त ऊर्जा का आपको संचय करना होगा। ऊर्जा का मतलब अतिरिक्त जो है अधिक आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सप्ताह की जो शुरुआती हिस्सा होगा, यानी कि सप्ताह का जो शुरुआती भाग होगा, तो सप्ताह के शुरुआत में कर्ज और मर्ज दोनों चीजें जो है आपके चिंता का कारण बनती हुई दिख रही है। तो कर्ज को लेकर के जो है इस समय आपकी समस्या बनी रहेगी। इस दौरान जो है अचानक से कुछ बड़े खर्चे जो है सिंह राशि के जातकों के सामने आ सकते हैं, अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको जो है धन उधार भी लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह जो है सिंह राशि के जातकों को स्वजनों के साथ जो है अपने परिवारजन स्वजन जो है आपके उनके साथ उलझने के बजाय जो है उनके साथ आपको उलझना नहीं है, उलझने के बजाय जो है उनकी भावनाओं और बातों को समझने का आपको प्रयास करना होगा। उनकी बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। अगर आप यह नहीं कर पाएंगे तो आपके आत्मीय जो रिश्ते हैं, जो आपके रिश्ते हैं उनमें खटास आते हुए दिख रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग होगा, तो सप्ताह के मध्य भाग में जो है गुप्त सौदे, सरकार संबंधित कार्य, कानूनी मामले या कुछ ऐसे विषय होंगे जिसे लेकर आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और इस दौरान जो है आपके निजी जीवन की जुड़ी समस्याओं में भी जो है आपको जूझना पड़ सकता है। आपके निजी जीवन की जो समस्याएं हैं वह भी बढ़ सकती हैं और उनके कारण भी आपको जो है सप्ताह के मध्य भाग में जो है जूझना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों को जो है इस सप्ताह या जो सप्ताह होगा 5 से और 11 अगस्त का, तो इस सप्ताह जो है किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहने के बजाय जो है खुद अपना काम निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरे पे आपको आश्रित नहीं रहना चाहिए और अपने कार्यों को खुद ही जो है आपको पूर्ण करने का प्रयास करना है। यदि आप जो है व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यापार करते हैं सिंह राशि के जातक, तो इस सप्ताह जो है धन का लेन देन करते समय जो है आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा और कागजी जो कार्रवाई है, कागजी जो कोई काम है, तो उन्हें भी जो है बड़ी सावधानी से आपको निपटाने का प्रयास करना है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, तो सप्ताह के उत्तरार्ध में जो है घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की, किस घर में जो कोई वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी सेहत को लेकर के आप जो है परेशान रह सकते हैं। इस दौरान जो है आपको अपने जो स्वजन है, परिवारजन है, तो स्वजनों से जो है अपेक्षित संयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण जो है आपके मन में जो है निराशा का भाव जागृत हो जाएगा। आप जो है मन ही मन जो है बड़े परेशान रहेंगे। अपने सभी परिवारजनों से जब आपको कोई संयोग नहीं मिलेगा तो आपके मन में जो है एक निराशा का भाव जागृत हो सकता है। हालांकि ऐसे में आपको चिड़चिड़ापन लाने की बजाय से जो है अपनी जिम्मेदारियों को जो है आपको निभाना है। आपको अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करना है, बल्कि अपने कार्यों को आपको पूर्ण करने का प्रयास करना है।
प्रेम संबंध की बात करें या फिर वैवाहिक जीवन की बात करें, तो प्रेम संबंध हो या फिर वैवाहिक जीवन हो, तो आपको अपने रिश्ते के प्रति जो है ईमानदार होना पड़ेगा, तभी जो है आपको इस सप्ताह जो है सुख की अनुभूति हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपाय की कि सिंह राशि के जातक क्या उपाय करें जिससे आप इस सप्ताह को सुफलदायी बना सके। तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह को आनंददायी बनाने के लिए प्रतिदिन आपको विष्णु भगवान का पूजन करना है और केले के पेड़ में जल आपको रोज समर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पूजन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। तो अगर यह उपाय आप करेंगे तो आप इस सप्ताह को सुफलदायी बना सकेंगे। तो यह उपाय आपको जरूर करना है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।